धनबाद कोयलांचल के कई इलाकों में बिजली की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। खासकर बारिश के दिनों में तो हल्की बरसात होते ही लाइन कट जाना आम बात हो गई है। ऐसी ही समस्या से लंबे समय से दो चार हो रही झरिया और सिंदरी के प्रबुद्ध जनों ने आज झारखंड बिजली वितरण निगम के महाप्रबंधक से मुलाकात की और अपनी समस्याओं के निराकरण की मांग की। इस दौरान एक ओर जहाँ महाप्रबंधक ने अगले एक सप्ताह में बिजली की समस्या को कम करने का आश्वासन दिया, वहीं नागरिकों ने स्थिति नहीं सुधरने पर सड़क पर उतरने की चेतावनी दी। झरिया और सिंदरी क्षेत्र में बिजली की परेशानी से स्थिति विकट हो गई है। आज इसको लेकर जीटा के महासचिव राजीव शर्मा के नेतृत्व में नागरिकों का एक शिष्टमंडल झारखंड बिजली वितरण निगम के महाप्रबंधक हरेंद्र सिंह से मुलाकात की। इस दौरान वक्ताओं ने अपनी परेशानियों की जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व के GM से इस संदर्भ में वार्ता हुई थी और कई बिंदुओं पर त्वरित कार्य करने का आश्वासन भी मिला था, लेकिन उनके तबादले के बाद मामला फिर थम गया। इसमें एक 10 MVA का जला ट्रांसफार्मर को 10 जुलाई तक ही बदले जाने का आश्वासन मिला था, जबकि कई इलाकों में जीर्ण शीर्ण तारों को भी बदलने की बात थी, लेकिन आज तक नहीं हुआ। लोगों ने बताया कि झरिया सिंदरी इलाके के निवासी काफ़ी सहनशील हैं, इसलिए अब तक चुप हैं, लेकिन अब स्थिति बर्दाश्त से बाहर है, इसलिए स्थिति नहीं सुधरी तो अब वो लोग सड़क पर भी उतरने को बाध्य हो जाएंगे। झारखंड बिजली वितरण निगम के महाप्रबंधक हरेंद्र सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बिजली की समस्याओं से परेशान लोग उनसे मिले थे। वार्ता में उन्होंने अगले एक सप्ताह में 10 MVA का ट्रांसफार्मर लग जाने का आश्वासन दिया, जबकि जीर्ण शीर्ण तारों को फेज वाइज बदलने की बात कही। बिजली के लोग आए थे, झड़िया के कुछ बिजली की समस्या थी, उसके निदान के लिए आए थे, तो कुछ लोग उन्होंने बताया है कि कुछ कुछ काम जो होना था वो अभी तक हुआ नहीं है, तो हमने इनको बताया है कि जैसे एक ट्रांसफार्मर वहाँ 10 MVA का बहुत दिनों से जला हुआ था, उसके बदलने का काम था, वो एक सप्ताह में बदला जाएगा। दूसरा था, कुछ बता रहे थे कि तार वगैरह जो है जिन शीर्ण अवस्था में उसको जो है बदलने की काम था वो नहीं बदलाया गया, तो उसमें भी हम लोग उसको सर्वे करवा कर उसको भी फेज वाइज में हम लोग काम करवाएंगे। और जूनियर इंजीनियर के बारे में इनका कहना था कि जूनियर इंजीनियर का जो है सेक्शन, तीन तीन सेक्शन का एक ही जूनियर इंजीनियर है, उस पर अभी अब मैं जस्ट इस सब चीज़ को रिव्यू करके जैसा होगा मैं उचित कदम उठाऊंगा। इसमें भी इसी सब कारणों के लिए ये लोग आए थे, मैंने इनको सारी चीज़ों को मैंने अपने जो काम संभव है निगम हित में मैं उसको मैं प्राथमिकता देकर मैं इसको करवाऊंगा। जैसे कुछ काम ऐसा है कि इनका तो मैं 15 दिनों के अंदर में यह सब काम हो जाएगा, और कुछ काम ऐसा है जिसमें कुछ समय लगने की संभावना है। हम लोग मिले झरिया, पूरे क्षेत्र की जो समस्या है झरिया से लेकर सिंधी तक की बिजली की समस्या को लेकर आज हम लोग मिले हैं। क्योंकि पिछले GM साहब का ट्रांसफ़र हो गया और नए GM साहब आए हैं, तो पिछले दिनों जो बातें हुई थी उसमें क्या बदलाव आया है इसके संदर्भ में चर्चा करने के आए थे। उनके एक्सिक्यूटिव इंजीनियर भी आज थे, पूर्ति साहब वो भी यहाँ पर थे, उपलब्ध थे। हम लोगों ने कहा कि जो 10 तारीख को 10 MVA का ट्रांसफॉर्मर आना था वो अभी तक नहीं आया है, जो 5 किलोमीटर तार बदली होना था वो अभी तक नहीं हुआ है, लोड इन्हेंसमेंट के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वो सारे कुछ नहीं हुए हैं, और ढाक के 3 पात की तरह हम लोग वहीं खड़े हैं जहाँ से शुरू हुए थे। तो इन्होंने आश्वस्त किया है और जो कंपनी ट्रांसफार्मर सप्लाई दे रही है उससे बात करके इन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर 10 MVA का ट्रांसफार्मर वहाँ लग जाएगा। साथ ही साथ जो सिंदरी वाली समस्या है उसके संदर्भ में भी इन्होंने कहा है कि हम लोग प्रयास करें कि 3.3415 KV का जो ट्रांसफार्मर की उपलब्धता है वो सुनिश्चित करने के लिए हम मजबूती से लगे हुए हैं। झरिया पूरे क्षेत्र की स्थिति बहुत ही खराब है, मात्र कई कई दिन तो ऐसे होते हैं जहाँ मात्र 2 घंटे बिजली मिलती है, 10 MVA का लोड 5 MVA पे आ गया है, तो आप मान लीजिए 12 घंटा तो ऐसे ही कट गई। फिर कभी DVC काट लेता है और कभी JBBNL जो है अपने मेंटेनेंस के नाम पे काट लेता है, और अंत में ये होता है कि कहीं तार टूट के गिर जाता है तो उस पर लाइन कट जाती है। तो स्थिति बहुत विकट है। झरिया के लोग बड़े सहनशील हैं, आंदोलन वहाँ कर रहे हैं लगातार, लेकिन सहनशीलता का सबूत मैंने उनको कहा भी कि लोग सड़क पर नहीं उतरे, विभागों में सबस्टेशन का घेराव नहीं कर रहे हैं। इसका एक कारण है, लोगों को ये विश्वास है कि लोग लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, पूरे झरिया के पूरे क्षेत्र के लोग लगे हुए हैं और बदलाव का प्रयास कर रहे हैं। आप उसको सहयोग करते हुए उसको आगे ठीक करिए, और हम लोगों ने कहा भी है कि अगर जल्दी ठीक नहीं होगा तो स्थिति गंभीर होगी और झरिया के लोग सड़कों पर उतरने को बाध्य होंगे, ऐसी स्थिति नहीं हो। उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं जल्दी ही इस चीज़ को ठीक करने का प्रयास करूँगा।